हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नई ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि संख्या के जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन है। जब हम छोटे थे, हमारे दादा दादी या नाना नानी, हम नानी के गांव जाते थे तो वहां पर क्या होता था कि हमसे कुछ क्वेश्चन करते थे लोग कि ऐसे ही कि इसका बताओ जवाब क्या होगा। उन लोगों की तार्किक शक्ति इतनी अच्छी होती थी या इतने अच्छे से उन लोगों का नॉलेज होता था कि जिसका जवाब देने में हमको काफी परेशानी होती थी। लेकिन अगर वही चीज आप नियम के अनुसार जाते हैं तो आप इसका जवाब क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं। तो सिंपल सा इसका कुछ रूल है जिसको हम फॉलो करके इसका जवाब हम तुरंत तुरंत दे सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। जब हमको किसी संख्या का योग और अंतर दिया हो, ठीक है, जब दो संख्याओं के बारे में हमसे बात की जा रही हो और उसमें क्या किया जा रहा है कि उसका योग दिया है और अंतर दिया है। कभी हमसे किसी ने पूछ लिया कि बड़ी वाली संख्या बताओ या कभी पूछ लिया गया कि छोटी वाली संख्या बताओ, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमको करना क्या है, अगर हमको योग दिया है और अंतर दिया है, बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो हमको क्या करना है, योग और अंतर, मतलब योग को हम सम बोलते हैं और अंतर को डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या बिगेस्ट नंबर, या इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए योग मतलब सम जो दोनों आ रहा है और उसका जो डिफरेंस है, दोनों को हम जोड़ के डिवाइडेड बाय टू कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही स्मॉलर नंबर के बारे में पूछा जाए छोटी संख्या के लिए तो क्या करना है, योग मतलब सम और उसमें से क्या करना है, माइनस डिफरेंट को करके हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तीसरा, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है इसमें कि गुणनफल, ठीक है, गुणनफल मल्टीप्लाई उसका पूछ लिया जाए, तब हमको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में कि जो उसका सम है प्लस डिफरेंस, एक बार तो हम उसको जोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरी बार योग में से डिफरेंट को हम, जो डिफरेंस है उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ डिफरेंस मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम फोर से डिवाइड कर देंगे, हमको यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। कभी कभी हमको योग और अंतर का अनुपात दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहता है, हमको योग और अंतर का अनुपात दिया रहता है, ठीक है। जब हमको ऐसे सिचुएशन रहे, रेशियो दिया रहे, जब रेशियो दिया रहे तो हमको संख्याओं का अनुपात निकालना है या रेशियो निकालना है, तो क्या करना है कि एक बार हम जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है उसको हम जोड़ देते हैं और एक बार अनुपात को हम माइनस कर देते हैं, मतलब एक बार बड़े वाले रेशियो से छोटे वाले को ऐड कीजिए और एक बार बड़े वाले रेशियो से छोटे वाले को माइनस कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं कि मान लीजिए दिया है कि दो संख्याओं का योग टोटल कितना है, 8 है, और उसका डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंस है कितना है, 4 है। तो हमको पूछ लिया मान लीजिए कि बड़ी वाली संख्या बताओ, तो बड़ी वाली संख्या के लिए हमको क्या करना है, यहां पर बड़ी वाली संख्या के लिए हमको बड़ी संख्या पूछी जा रही है, ठीक, तो बड़ी संख्या इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक बार हमको यहां पर जोड़ना है योग, किसको लिखना है, योग को और प्लस जो डिफरेंट है, ठीक, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय टू कर देना है। अब देखिए हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 4 12 हो जा रहा है, और 12 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल गया, 6 मिल गया, ये हमको बड़ी वाली संख्या मिल गई। इसी क्वेश्चन में हम छोटी वाली संख्या के बारे में भी देख लेते हैं, अगर छोटी वाली संख्या पूछी जाए तो क्या करना है, छोटी छोटी संख्या, ठीक, छोटी वाली संख्या पूछी जाए तो हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंट कर देना है, ठीक है, योग हमारा 8 है और यहां पर अंतर कितना है, 4 है, तो हम योग में से अंतर को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब 8 में से 4 को माइनस किए तो क्या बचा, 4, और 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए आप इसको क्रॉस यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां बड़ी संख्या है यहां छोटी है, 8 आना चाहिए आंसर, तो हम 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 मिल जा रहा है,
और 6 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो हमको 4 मिल जा रहा है। तो ऐसे इसको करना है, आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक और देख लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ डाउट है क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या है, एक संख्या है 89, ठीक है, योग उसका 89 है। दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो योग उसका आ रहा है 89 और डिफरेंट उसका आ रहा है कितना है, डिफरेंस 21 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या बिग नंबर, ठीक है, बिगेस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हमको यहाँ टोटल और यहाँ डिफरेंट कितना है 21 और डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसको हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, 110 आ जाएगा। 1 में 9 को जोड़ेंगे 0 हो गया 10, और 8 दो 10 एक 11/2, 110/2 हो गया। अब यहाँ पर हमको बड़ी वाली संख्या क्या मिल गई, 55 मिल गई। छोटी वाली संख्या को भी देख लेते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ सम माइनस डिफरेंस करना है। तो सम हमारा 89 है और इसमें माइनस 21 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितना बचा, 6, 68/2 हो जाएगा। 68/2 इक्वल टू 34 आ गया। अब देखिए हमारी छोटी वाली संख्या क्या हो गई, 34 हो गई, और बड़ी वाली संख्या क्या हो गई, 55 हो गई। तो ऐसे इसको करना है। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दो संख्याओं का योग हमको कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक, दो संख्याओं का योग हमको 5 दिया है और डिफरेंस उसका कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक। अब देखिए योग हमको क्या करना है, बड़ी संख्या पूछा जाए तो एक बार हमको इसको जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई 2, 5 में 3 को जोड़ा हमने क्या मिला, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको बड़ी वाली संख्या क्या मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है। अब बड़ी वाली 4 मिल गई, अब इसी में हम छोटी वाली को भी देख लेते हैं। छोटी संख्या, छोटी के लिए क्या करना है, यहां डिफरेंट करना है, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 देखिए इसको हमने माइनस किया तो 2 बचा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, छोटी संख्या हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई, और बड़ी वाली संख्या क्या मिल गई, हमको बड़ी वाली संख्या 4 मिल गई। अब 4 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 मिल गया, और 4 माइनस 1 करते हैं तो 3 मिल गया। अब देखिए चलिए हम आगे देखते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। हमको दिया है मान लीजिए दो संख्याओं को, बराबर, हमको दो संख्या का दिया है, टोटल हमको क्या आ रहा है, 98, ठीक, सम और डिफरेंट बता रहा है कितना है, मान लीजिए 16 है, ठीक है, दोनों चीजें मिल गई। अब हमसे इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना है, एक बार तो हमको जोड़ देना है, जैसा कि हमने आपको बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 98 में एक बार हम 16 को ऐड कर देंगे और एक बार क्या करेंगे, 98 माइनस 16 कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 4 कर देना है। अब देखिए जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ 8 में 6 को जोड़े 14 और यहाँ 9 1 10 1 11 114 मिला, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4 हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 जा 4 और यहाँ हो गया 41 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, ठीक। अब हमको क्या मिल गया, 57 इंटू 41, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 57 इंटू 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5 और 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 और 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 3 हो गया, यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2337 इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, जो दोनों हमको यहाँ पर दिया गया है, योग और इससे जब हम इसकी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है कि उसका हमको क्या पूछा गया,
मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी हमको दिया रहता है, मान लीजिए कि दो संख्या का टोटल दिया है, सम दिया है, ठीक है, और आगे हमको क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है। अब संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या का योग और अंतर का अनुपात हमने मान लीजिए 3.1 लिख दिया, ठीक है, 3:1 है इसका क्या है, योग और अंतर का अनुपात। इसमें पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात बताइए, तो हमको क्या करना है, यहां पर एक बार मान लीजिए संख्या एक एक्स है और दूसरी क्या है, वाई है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारा यहां पे अनुपात 3, तो एक बार 3+1 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 3+1 कितना हो जाएगा 4 और 3-1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे रेशियो क्या हो गया, 4:2, इसको और छोटा करते हैं तो 2:1, ठीक है। एक इसका अनुपात हो गया, संख्याओं का अनुपात हो गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस पे हम बहुत से ट्रिक्स ऐसे ही हर वीक डालते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।